बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी ब्लीच कैसे करना है मुंह में और गला पीठ में। तो आज ये लगेगा हमें ब्लीच, मैक्स ग्लो का हल्दी चंदन ब्लीच ये लगेगा, और ये सॉल्ट है ये लगेगा, और टोनर लगेगा। टोनर से मैं पहले क्लाइंट के ऊपर मतलब मुंह मोच लूँगी, साफ कर लूँगी टोनर से, उसके बाद मैं ब्लीच लगाऊंगी। ये है हल्दी चंदन का मैक्स ग्लो ब्लीच, मैं ले लेती हूँ अभी। कितना हमें लगेगा हम आइडिया करके अभी ले लेती हूँ। देखिए गाइस, मैंने इतना ले लिया। सॉल्ट हमें कितना चाहिए, ये 4 भाग का 1 भाग सॉल्ट चाहिए हमें। देखिए गाइस, ये 4 भाग का 1 भाग सॉल्ट चाहिए हमें। ये अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मुंह पे और गला पीठ में लगाऊंगी। ऐसे लगाना है हमें पूरा साइड। ध्यान से गाइस, बाल में नहीं लगना चाहिए क्योंकि बाल कलर हो जाएगा तो देखने अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान से करना होगा। आईब्रो की उधर ध्यान से करना होगा, कान में भी थोड़ा देना है। देखिए गाइस, पीठ पे ऐसे देना होगा अच्छे से। घाट की तरफ भी देना है क्योंकि घाट शोल्डर में थोड़ा टैन पड़ता है, तो ब्लीच लगने से अच्छा होता है, टैन पड़ता है उससे। ब्लीच करने से क्या होगा, बहुत स्किन बहुत ग्रो करेगा, उसके ऊपर फेशियल करने से और अच्छा होगा। आप चाहो तो उससे ब्लीच भी कर सकती हो, लेकिन उसके बाद नॉर्मल मसाज क्रीम लेके मसाज कर देना, क्योंकि ब्लीच के बाद ड्राई हो जाता है इसकी। तो ये अब 10 मिनट तक रहेगा, उसके बाद मैं चेक करूँगी, चेक करके दिखाऊंगी आपको। गाइस, मेरा 10 मिनट हो गया, मैं अभी चेक करूँगी। चेक करना है कैसे वो आपको देखना होगा। देखिए गाइस, जो हेयर था ब्लैक वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेप में आ गया, मतलब हो गया। मैं अभी ब्लीच को मिला देती हूँ, मिला के और 5 मिनट रख के फिर मोच लूँगी। उसके बाद मोच के थोड़ा मसाज क्रीम से मसाज कर दूँगी। ऐसे मिलाना है, फिर से मिलाना पड़ता है यार। और क्या, ब्लीच करना बहुत आसान है, लेकिन आपको जानना होगा कितना सॉल्ट देना है, कितना मिनट रखना है, ये सब जानने से आप कर पाएंगे। Thank you.
तो हो गया मिलाना, और 5 मिनट रख के मैं अब मोच लूँगी। तो गाइस ये है नॉर्मल मसाज क्रीम, फ्रूट मसाज क्रीम। ये थोड़ा सा लेके मैं मुंह गला और पीठ में मसाज कर दूँगी, क्योंकि ब्लीच के बाद ड्राई हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेके मसाज कर लेती हूँ अभी। तो गाइस मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, मेरे वीडियो देख के आप कुछ सीख पाए हो तो मेरे वीडियो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। गाइस बाय बाय।